प्योर पश्मीना नेचुरली। पीएनजी ज्वेलर्स। नमस्ते दर्शकों, भारत और विश्व के इतिहास में 22 दिसंबर के दिन का अपना ही महत्व है, क्योंकि इस दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो आइए जानते हैं 22 दिसंबर के इतिहास के बारे में। आज ही के दिन वर्ष 1666 में सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु घोषित किया था। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 17 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में कई बार मुगलों का सामना किया था। प्योर पश्मीना नेचुरली। आज ही के दिन वर्ष 1851 में ब्रिटिश काल में देश में पहली मालगाड़ी चलाई गई थी। इस पहली मालगाड़ी ने उत्तराखंड के रुड़की से पिनार कलियर तक करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस मालगाड़ी में भाप इंजन से चलने वाली दो बोगियां थी। मालगाड़ी से किसानों के लिए मिट्टी और कंस्ट्रक्शन का सामान भेजा गया था। इस मालगाड़ी के लिए ब्रिटिश इंजीनियर थॉमसन ने इंग्लैंड से भाप से चलने वाला रेल इंजन मंगवाया था। आज राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है। 1887 में आज ही के दिन भारतीय महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म हुआ था। भारत सरकार ने उनके जीवन की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए 22 दिसंबर यानी उनकी जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। रामानुजन को आधुनिक काल के देश दुनिया के महान गणित विचारकों में गिना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में गणित के विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में विस्तृत योगदान दिया था। रामानुजन को बचपन से ही गणित से बहुत लगाव था। उनका ज्यादातर समय गणित पढ़ने और उसका अभ्यास करने में ही बीतता था, जिसके कारण अक्सर वे अन्य विषयों में कम अंक पाते थे। पीएनजी ज्वेलर्स। आज ही के दिन वर्ष 1975 में भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई का निधन हुआ था। वसंत देसाई संगीत के जादूगर थे। वसंत देसाई ने ही ऐ मालिक तेरे वंदे हम, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, जैसे प्रसिद्ध प्रार्थनाओं के लिए संगीत की रचना की थी। वसंत देसाई ने फिल्मों में हिंदुस्तानी संगीत का गायन किया था। बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि उन्होंने फिल्म संगीत में गूंज यानी इको साउंड की शुरुआत की थी। 22 दिसंबर 2023 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष का 356वां दिन है। वर्ष खत्म होने में अब केवल 9 दिन बचे हैं। आज शुक्रवार का दिन है।